लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। ओ चिच्चा दियूं क्या डिच्चा हैदराबादी अपन क्या बख्तावर की बीट पे ये तेरा लाया फखान। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। सच न्यूज़ के स्टूडियो में आज बहुत बड़ी आफत मौजूद है, इनका नाम ही है आफत खान। भाई आपका असल नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आफत साहब आपका असल नाम क्या है? मेरा असली नाम सर देखिए अलीम खान है। अलीम खान जी। ओ फिर आफत कहाँ से आ गई? ये आफत स्टेज नेम है, रैपर है तो रैपर वैसा नाम भी होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। अलीम खान मतलब तो गाने में इंट्रोडक्शन रहा तो अच्छा नहीं दिखता। अच्छा, अलीम खान की जगह आपने अपना नाम आफत खान रख लिया, जैसा कि सरवर खान ने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया, उसी तरह जो है अलीम खान ने अपना नाम आफत खान रख लिया और बहुत बड़ी आफत लेके आ गए शहर हैदराबाद पे, क्योंकि इनका गाना हैदराबादी अपन जो है बड़ा ही आफत मचा रहा है। मेरा मतलब है कि बड़ा ही धूम मचा रहा है। तो अलीम साहब आपका एक गाना, आपकी गाने की शुरुआत कहाँ से हुई और आप ये खुद बनाए या किसी ने आपको ये गाना जो है अपने अंदाज में लिख के दिया, इसके लेखक कौन है? इसकी लिखावट तो मैं लिखा हूँ सर। एक्चुअली मैं तो पहले म्यूजिक सुनता था, इमरान खान का, बॉलीवुड का भी सुनता था, तो मैं नहीं सोचा था कि म्यूजिक सुनते सुनते मेरा भी खुद का लिखूंगा। अच्छा। उसके बाद मैं सुनते सुनते सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ ऐसा, इसके हिसाब से मैं लिखा। मेरे पहले भी सॉन्ग थे, फिर मैं बोला नहीं कुछ हैदराबाद से, अपन कहाँ से वो एरिया रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज करेंगे, वो बोल डाला पूरा हैदराबाद से। हैदराबाद ही है अपन। मैंने अभी भी गाना सुना, उसमें जो जफर बलान का भी जिक्र है। जी जी, जफर बलान का भी जिक्र है, जानी मानी शख्सियत है रेसलिंग के। जी, उनके बगैर तो सिग्नेचर जब तक तेलंगाना में कहीं भी रेसलिंग न हो। तो आपका और जफर पहलवान का रिश्ता क्या है? जफर पहलवान का हमारा मतलब हम तो हमारे उस्ताद है जफर पहलवान। अच्छा। एक तो हमारे पड़ोसी भी है, वही एरिया से हूँ मैं। अच्छा, याकूतपुर से? जी, याकूतपुर से ही हूँ। याकूतपुरे का मतलब मालूम है? याकूत का मतलब मालूम है आप? याकूत का मतलब तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं पैदा होने से पहले ही नाम है वो। याकूत एक हीरे का नाम है। जी, तो तकरीबन ऐसे हीरे निकलते रहते हैं याकूतपुरे से, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपका गाना धूम मचा रहा है, हैदराबादी है अपन। फैमिली भी देख सकती है चीज, छोटे बच्चे हर कोई हर एक के सामने देख सकते है गाना। गाने में कुछ लड़की की बात ही नहीं है तो लड़की क्यों डालेंगे हम इसमें, क्योंकि अच्छा, हैदराबादी माहौल है पूरा, तो वो हिसाब अच्छा, से पूरा डायरेक्शन हैदराबादी, मतलब हैदराबादी चार दोस्ता मिलते, ऐसा नहीं कि हैदराबादी बच्चों के पास जाते, चार दोस्ता मिलते चबूतरे में बैठ के बात करते, वो चीज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट वो है। चबूतरे में बैठ के क्या बात करते? चबूतरे में बैठ के मसला खत्म करते, बात करते साहब, नहीं मालूम आपको? आशी के तो 90s में होता था साहब, अब नहीं है। अब नहीं है आशी के, अब क्या है, बच्चे समझदार हो गए, दिल जले पूरे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गाना है, अल्लाह करे आपको इस गाने में कामयाबी मिले। और वैसे कई लोग जो है कुछ कमेंट्स भी करेंगे, ये क्या लाइन में चले गए, मुसलमान हो के ऐसा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। मैं पिछली बार भी देखा था, एक लड़का है रूहान अरशद मियां भाई, गाना आया था उस गाने का, वो गाना काफी हिट होने के बाद कई लोग कई किस्म की बातें करें। भाई जब कोई लड़का एक नाम कमा रहा है, एक अलग ट्रैक पकड़ के चल रहा है, तो उसके पीछे सरा पड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक किसी की एक लाइन होती है, एक ट्रैक होता है, अपने ट्रैक को तरक्की कर रहा है, तो बहरहाल जब भी इस्लाम याद आ जाता है तभी जो है नमाजें याद आ जाती है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है एज ए मुस्लिम। अब आपके दिल में ईमान कितना है वो आप जाने, आपका खुदा जाने। जी, हो सकता है हमसे बेहतर भी आपका ईमान होगा, क्योंकि वो अल्लाह का और आपके बीच का मामला है। बहरहाल इसके बाद फिर और क्या करने का इरादा है आपका? इसके बाद तो कंटिन्यू आते जाएंगे रैप सॉन्ग्स हैदराबाद के साथ में, हैदराबादी स्लैंग टोटली हैदराबाद। अच्छा। अभी तो ये बताया अपन, कुछ आगे मैसेज भी है गाने में, अपने मैसेज टाइप भी है कि आने वाले यूथ के लिए मैसेज है, कुछ आगे कर सकते हैं आप लोग, ऐसा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोड़ के यही कर लो, अपना काम करो, घर संभालो, घर संभालते हुए करो चीज। क्या काम करते हैं आप? मैं टीवी टेक्नीशियन हूँ। माशाल्लाह टीवी बनाते हैं? जी, टीवी इंस्टॉलेशन, एक जीवीस कंपनी है उसमें इंस्टॉलेशन होता है। ये क्या है साहब इंस्टॉलेशन? फ्लिपकार्ट से, क्या सो फ्लिपकार्ट ऑथराइज पार्टनर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी नई टीवी आती है उसको इंस्टॉलेशन करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा बेहतरीन काम है आपका। बहरहाल इसके अलावा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड देखिए, मैं एक भाई हूँ, चार बहना है मेरे को, मम्मी है, पापा है, घर में चार बहना है। आप एक ही बेटे हैं? जी, एक ही बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तीन बहनों की शादी हो गई, एक बहन की होने वाली है इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो माशाल्लाह एक ही बेटा है, वो भी जो है रैप सॉन्ग बना रहा है, यानी एक सिंगर बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा जॉब करता हूँ मैं, घर का मेंटेनेंस, ऐसा नहीं कि रैप बनाता तो रैप ही नहीं, दिन भर रैप ही नहीं करता, सिर्फ रात में लिखता हूँ, जो ऐसा नहीं कि जो बोले वो नहीं,
जो सोसाइटी में हो रहा वो चीज के ऊपर लिखता हूँ बस। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब सेंटरिंग सेंटरिंग काम करते हैं। वालिदा क्या करते हैं? वालिदा हाउसवाइफ है। माशाल्लाह। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को आप? मैसेज तो यही देना चाहता हूँ कि मैं जो भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सपनों के लिए, कि आप लोग सपोर्ट करें, मेरे को भी सपोर्ट करिए, इंशाल्लाह मैं भी हैदराबाद का नाम रोशन करूंगा। ओल्ड सिटी से हर कोई ऐसी चीज नहीं आता है। ओल्ड सिटी से कोई अभी तक गैंगस्टर रॉडी शटर उठा है? ओल्ड सिटी को मैं एक मिसाल में रखना चाहता हूँ कि रैपर भी है यहाँ पे एक, वो चीज का नाम। वैसे हर किस्म के इंसान मिल जाएंगे, मैं तो यूँ समझता हूँ कि दुनिया देखना है तो हमारी ओल्ड सिटी देख लो, मुकम्मिल जहाँ मिल जाएगा यहाँ पर। बड़े से बड़े भाई लोग भी मिल जाएंगे, भाई लोग, भाई लोग, और कॉमेडियन भी मिल जाएंगे। बहुत सारे नई नए हमारे हैदराबाद में कई ऐसे कॉमेडियंस हैं जो अलहमदिल्ला जिसके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। अब उसी तरह से जो है रैप सिंगर भी हमारे बीच मौजूद है, इसी तरह के रैप सिंगर्स और आते जाएंगे। तो आफत साहब, आपका गाना सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड किया है आपने? YouTube पे तो अपलोड है, YouTube पे आपको जाना पड़ेगा आफत खान ऑफिशियल, मारे तो मेरे सॉन्ग से और है ये एक ही नहीं है। आफत की स्पेलिंग क्या है? AAFAT, AAFAT, आफत खान, KHAN खान ऑफिशियल मारे तो आया था। और उसके अलावा आप इसको ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं, लाइक एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्पोटिफाई, जियो सावन, गाना म्यूजिक, iTunes, हर जगह मौजूद है, हर जगह सुन सकते हैं आप लोग। तो जो भी आप सुनना चाह रहे हैं इनका सॉन्ग, तो जो है आफत खान मारे तो भी आया था, नहीं तो हैदराबादी अपन मारे तो आया था, हैदराबादी अपन मार लीजिए, सबसे आसान रहेगा क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रह रहा है आफत खान ऑफिशियल ऐसा कुछ इनका पेज है। हैदराबादी है अपन, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जरूर हमारे आफत खान साहब का सॉन्ग सुन लीजिए। और इसके अलावा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और एक मेन चीज आपसे पूछना भूल गया, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? हमारे इसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे आदिल भाई, आदिल बख्तावर। आदिल बख्तावर साहब बड़े अच्छी म्यूजिक दिए हैं। और सिंगर? सिंगर तो मैं हूँ, मेरे है लिरिक्स और मैं खुद का लिखता हूँ, खुद ही गाता हूँ बस, किसी का दूसरा नहीं। माशाल्लाह, आप खुद लिखते हैं, आप खुद गाते हैं? खुद ही, बहुत सारे गाने अभी मैसेज भी है पब्लिक तक। सबसे पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? ये फर्स्ट सॉन्ग है या इससे पहले भी आपने? इससे पहले भी बहुत है, 2016 से चल रहा मेरा म्यूजिक का जर्नी। अच्छा, अभी तक तो कंटिन्यू है, अभी स्ट्रगल जारी है, पब्लिक का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह अपन भी सितारे बनेंगे एक दिन इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपका कोई सॉन्ग दोबारा हिट होने के बाद फिर से हम आपको याद करेंगे। अभी तो जो हैदराबादी है अपन, हमें भी अच्छा लगा सुनकर, बड़ा अच्छा ही गाना है, और दूसरे गाने का इंतजार करते रहेंगे आपका। जी शुक्रिया, जजाक। आज सच न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है हैदराबाद वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब जावेद भाई। जावेद भाई का फुल नाम? जावेद खान, माशाल्लाह पठान है आप। जावेद खान आज सच न्यूज में मौजूद है। जावेद खान साहब की खासियत और खूबी आपका समय बताता चलूं, क्योंकि जावेद खान साहब जो है अब तक ऐसे कई नगीनों को मार्केट में उतारे हैं, यानी अपने हाथों से उन्हें सवार कर सजा कर मार्केट में पेश किए हैं। तो जावेद खान साहब वेलकम, सच न्यूज में आपका खैर मकदम है। तो कई ऐसे रैप सिंगर्स हैं जिनकी आपने हेल्प की है, जैसा कि आप प्रोफेशनल, आपका एक वीडियोग्राफिंग है, उसके अलावा जो है आप जो भी कुछ शौक रखते हैं उनकी लाइफ बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा हैदराबाद एक्ट्रेस में भी हमने सुना है कि आपने कई लोगों की लाइफ बनाई है। जी जी, हम लोग कैमरे देते हैं उन लोगों को, कैमरे, फिर हमारा कैमरा मैन रहता। जी जी, तो उसमें जो सो अपन के लोग आते हैं ऐसा हमारा गोहना बोलते हम कम में देते हैं, कैमरे वगैरह। अभी एक जो गाना हिट हुआ है हैदराबादी है अपन। जी हैदराबादी अपन, अलीम आफत खान वो हमारी प्रोडक्शन है, वो हमारा जिस कैमरे पे हुआ शूट, आपके कैमरे पे। इसके अलावा उसमें और क्या मदद की आपने, क्या हमने किया? नहीं, हमारा कैमरा और जिस कैमरा मैन एडिटिंग वगैरह में भी जो है एडिटिंग बाहर हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो जावेद खान साहब ऐसे ही लोग आपके पास आते रहेंगे, वैसे हो सकता है कि हमारे कैमरामैन की भी ख्वाहिश होगी जावेद खान साहब इनके लिए भी कुछ करें, तो आप करेंगे इंशाल्लाह जरूर। रैप सॉन्ग बन जाइए, हमारे कैमरामैन से कह रहा हूँ, तो बना जो भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान साहब, यूं ही आप एक गरीब गुरबा सिंगर्स की या हो कोई एक्टर हो उनकी मदद करते रहेंगे, तो हो सकता है हमारा हैदराबाद जो है दुनिया में एक नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सच में आने के लिए जावेद भाई, जजाक अल्लाह। Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority autonomous engineering institute affiliated to Usmania University, behtareen placements ke saath.